नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 14 नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 87 तक पहुंची। कर्नाटक में 5, तेलंगाना में 4, दिल्ली में 4, गुजरात में 1 नया मामला। फाइजर की गोली से होगा कोरोना वायरस का इलाज। उन वयस्कों की कोविड 19 के इलाज में इसका उपयोग किया जा सकता है जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं और जिनके ज्यादा बीमार होने का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, देश में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ना शुरू हो गया है। ओमिक्रॉन के प्रसार का रोकने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए कदमों की वजह से यह देश में उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है जितनी तेजी से यह यूरोप में फैला है। पालतू तथा अन्य जानवर भी हो सकते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि उनसे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बेहद कम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में मालगाड़ी के 17 डब्बे पटरी से उतरे। किरुंदल से विशाखापट्टनम जा रही थी मालगाड़ी। जबलपुर और किरुंदल के बीच ट्रेनों की आवाजाही बाधित। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को आज भोपाल में अंतिम विदाई। सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में 5 दिन पड़ेगी भीषण ठंड। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में गंभीर शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस नेता का विवादास्पद बयान, कहा जब दुष्कर्म अपरिहार्य है तो लेट जाओ और इसका आनंद लो। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट कर बयान पर माफी मांग ली। एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी। तकनीकी कारणों से रद्द हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आज होने वाली दोनों पाली की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। रद्द हुई परीक्षाओं का आयोजन अब 20 दिसंबर को होगा। यह तो फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।